नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या हुआ इसका मतलब, यह जो है कॉम्बिनेशन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर को। यदि हम लोग सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर को मिला देंगे क्या बन जाएगा हम लोग दोस्तों, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका देखिए, लिखेंगे इट मे बी, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। थर्ड लिखेंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन मतलब वैसे नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर बोलते हैं। ओके अच्छा दोस्तों, ये रियल नंबर के बारे में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या कह रहा है कि जो हम लोगों को नंबर दिए गए हैं उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखना है। इसका पहला पार्ट दिया गया 140। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे 140 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, जीरो है तो इसको टू से लगाएंगे, टू से लगाएंगे, टू से बन जाए 40 और ये हो गया जीरो। फिर यहाँ पे देखिए जीरो एंड में है तो यहाँ पे फिर टू से लगाइए, टू थ्री जा, टू फाइव जा। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फाइव से, फाइव से बन जाए 35। फिर लगाएंगे यहाँ पे सेवन वन जा सेवन। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर 140 इक्वल टू ये 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ये 2 × 2 × 5 × 7 × 1 समन को आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। या देखिए यहाँ पे 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है तो पावर के फॉर्म में लिख लीजिए 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। ये दोस्तों फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट देखिए, देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया 156। और हम लोग क्या करेंगे 156 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले किससे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इवन नंबर है 2 से लगाएंगे, 2 × 7 = 14 बचा 1, 2 × 8 = 16। फिर यहाँ पे इवन नंबर 2 से लगाइए, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर यहाँ से हम 3 से लगाएंगे, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9 क्योंकि इसका सम कितना हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 से लगाएंगे तो लिखेंगे कि 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 13 × 1। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितना बड़ा है, 2 × 2 × 3 × 13। लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। इसका थर्ड पार्ट देखिए, देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोगों का रहा है 3825 दिया गया है। इसको हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3825। देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 5 है, 2 से यहाँ पे लगेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। देखिए इसका सम कीजिए, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18।
एटीन थ्री से डिविजिबल होता है, तो इसलिए इसको थ्री से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री से लगाइए, थ्री वन या थ्री, थ्री टू या सिक्स, बचा टू, ट्वेंटी टू, थ्री सेवन या ट्वेंटी वन, बचा वन, थ्री फाइव या फिफ्टीन। फिर देखिए इसे सम कीजिए, वन और ये टू, थ्री, थ्री और सेवन, टेन, टेन फाइव, फिफ्टीन, फिफ्टीन में थ्री से डिवाइड लगता है, ये थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, थ्री फोर या ट्वेल्व, ये हो जाएगा थ्री टू या सिक्स, बचा वन, थ्री फाइव या फिफ्टीन। अब देखिए फोर और टू, सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन थ्री से डिविजिबल नहीं हो रहा है, लास्ट में फाइव है तो फाइव से इसको लगाइए, फाइव एट या फोर्टी, बचा टू, फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव। फिर यहाँ फाइव से लगाइए, फाइव वन या फाइव, बचा थ्री, फाइव सेवन या थर्टी फाइव। फिर यहाँ पे सेवनटीन से लगाएंगे, सेवनटीन वन या सेवनटीन। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा थ्री एट टू फाइव इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू, देखिए यहाँ पे ये थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवनटीन, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवनटीन इंटू वन। वन लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए थ्री कितना बार है, दो बार, तो थ्री का पावर टू इंटू फाइव कितना बार है, दो बार, तो फाइव का पावर टू इंटू सेवनटीन लिखेंगे। देयरफोर प्राइम फैक्टर्स, देयरफोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ थ्री एट टू फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये इसका आंसर हो जाएगा थ्री का पावर टू इंटू फाइव का पावर टू इंटू सेवनटीन। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम लोग कह रहा है फाइव थाउजेंड फाइव दिया है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ये फाइव डबल जीरो और ये फाइव। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए लास्ट में फाइव है तो थ्री से लगा के टू से लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, इसको ऐड किया तो फाइव फाइव टेन हो जाएगा, तो थ्री के टेन फाइव टेन तो आता नहीं है, टेन से थ्री से लगेगा नहीं, तो फाइव से इसको लगाते हैं, फाइव से लगाए तो हो जाएगा फाइव वन जा फाइव, ये जीरो, ये जीरो, फिर हो जाएगा फाइव वन जा फाइव। अब इससे आगे देखिए किसके टेबल से लगेगा, अब देखिए इसमें हम लोग इसको फाइव से नहीं लगेगा, यहाँ पे सिक्स से भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, अब हम लगाते हैं यहाँ पे सेवन से, सेवन से लगाएंगे तो हो जाएगा सेवन वन या सेवन, बचा थ्री जीरो, थर्टी सेवन फोर या ट्वेंटी एट, बचा यहाँ पे टू, ट्वेंटी वन, सेवन थ्री या ट्वेंटी वन। फिर यहाँ पे देखिए इलेवन से लगाते हैं, इलेवन वन या इलेवन, बचा थ्री, इलेवन थ्री या थर्टी थ्री, या फिर किससे लगेगा थर्टीन से, थर्टीन वन या थर्टीन लिखेंगे। यहाँ पे फाइव थाउजेंड फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इंटू सेवन इंटू एलेवन इंटू थर्टीन और इंटू वन, तो सारा नंबर सिंगल सिंगल है, तो लिखेंगे देयरफोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पावर के फॉर्म में आएगा नहीं क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर है, तो लिखेंगे देयरफोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ फाइव थाउजेंड फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इंटू सेवन इंटू एलेवन इंटू थर्टीन। वन लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग कह रहे हैं कि सेवन फोर टू नाइन, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेवन फोर टू नाइन का हम लोग यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए किससे लगेगा, लास्ट में यहाँ पर नाइन है तो थ्री से पहले चेक करते हैं, सेवन और फोर इलेवन, टू थर्टीन, थर्टीन और नाइन हो जाएगा ट्वेंटी टू, थ्री से लगेगा नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेवन से भी नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको चेक कीजिएगा, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से लगेगा, सेवनटीन से लगेगा, सेवनटीन से लगाएंगे इसको, ये जगह सेवनटीन फोर या सिक्सटी एट, बचा सिक्स, सिक्स पे टू उतरेगा तो जाएगा सिक्सटी टू, सेवनटीन थ्री जो हो गया फिफ्टी वन, बचेगा एलेवन और नाइन, तो वन 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 नाइन हो गया, तो सेवनटीन सेवन या वन हंड्रेड नाइनटीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लगाएंगे नाइनटीन से, तो नाइनटीन से लगाएंगे तो नाइनटीन टू जा हो गया थर्टी एट, बचा फाइव, फिफ्टी सेवन, तो नाइनटीन थ्री जा फिफ्टी सेवन। अब ये ट्वेंटी थ्री से लगाएंगे तो ट्वेंटी थ्री बन जाए ट्वेंटी थ्री। ये दोस्तों थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्राइम नंबर से ही लगेगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ भी चुका है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और लिखेंगे सेवन फोर टू नाइन इक्वल टू हो जाएगा सेवनटीन इंटू नाइनटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू वन, सारा नंबर सिंगल सिंगल आया तो पावर पावर में तो लिखेंगे नहीं इसको, लिखेंगे देयरफोर
प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 × 19 × 23। वन को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर वन का फाइव का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका, यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।